हेलो बच्चों, मैं दिव्यांशु त्रिपाठी फ्रॉम होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं और उनको इक्वेशन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। मतलब हम आज ये बात डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर रिएक्शन हुई है या यहाँ पर केमिकल चेंजेस हुए हैं। हम सब ने पढ़ा है कि जबकि केमिकल रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो हमको ये चीज़ पता करनी है कि कैसे दिख के हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है और यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो इसमें सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का बाहर निकलना। इसके लिए चलिए हम एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखिए ये कॉनिकल फ्लास्क लिया हुआ है जिसको कॉर्क से बंद किया हुआ है। इस कॉनिकल फ्लास्क में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, जो ये येलो कलर का सोल्यूशन आपको दिख रहा है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। और इसमें हम कुछ जिंक ग्रैनुअल्स ऐड की, जिंक ग्रैनुअल्स का मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ऐड कर दिए। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर ना कुछ छोटे छोटे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब किसी भी लिक्विड के अंदर अगर बबल फॉर्म होंगे तो वो कब होते हैं, जब वहाँ पर गैस होती है। जैसे आप सभी ने ग्लास में कभी पानी भर के और स्ट्रॉ से उसमें फूंक मार के देखो तो बबल बनते हैं। तो उसी तरह मतलब क्या है कि यहाँ पर गैस खुद ब खुद बनी। और जब भी गैस बनती है ना तो इसको हम एज अ एविडेंस ट्रीट करते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि एसिड के साथ रिएक्ट कराया हमने जिंक को और हमें क्या मिल गया, रिएक्शन हुई, गैस बाहर निकली, ठीक है, और साथ में एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब हम इस गैस को फर्दर टेस्ट कर सकते हैं कि ये कौन सी गैस है और इस कंपाउंड को भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है, जिसको हम लेटर ऑन आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड स्टेट चेंज या चेंज इन स्टेट। अब सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि ये जो प्रेसिपिटेट है ये होता क्या है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब जब भी कोई सोल्यूशन होता है ना उसमें अगर कोई इनसॉल्युबल पार्ट आ जाए और वो स्लोली स्लोली सेटल डाउन हो जाए सोल्यूशन के अंदर तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और अगला वर्ड लिखा हुआ है चेंज इन स्टेट, मतलब रिएक्टेंट की जो करेंट स्टेट है। जैसे ये लिखा ना चेंज इन स्टेट, रिएक्टेंट की मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ इसी बात का चेंज इन स्टेट का। आप सबको पता है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हैं, गैसेस। इन दोनों को हमने रिएक्ट कराया और हमको बन के मिला वाटर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी स्टेट क्या है, गैस, इसकी भी स्टेट क्या है, गैस, लेकिन इसकी जनरल स्टेट क्या होती है, लिक्विड। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टेट चेंज हुई। इसको भी हम एक एविडेंस मानते हैं कि ये क्या है, केमिकल चेंज है। चलिए अब हम पहले वाले की बात करते हैं जो लिखा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बहुत सारी रिएक्शन ना लिक्विड स्टेट या सोल्यूशन स्टेट में होती हैं। तो हमने दो सोल्यूशन लिखे हुए हैं। पहला सोल्यूशन हमारे पास है ये देखिए लेड नाइट्रेट, दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड। अगर आपको लैब में जाने का चांस मिलेगा और आप देखोगे जाके तो ये दोनों ना ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है, मतलब इनका कोई नेटिव कलर नहीं होता है। जब इन दोनों को हमने मिक्स किया, देखिए इस डायग्राम में आपको इजीली दिख रहा होगा कि एक टेस्ट ट्यूब से कुछ ट्रांसपेरेंट चीज़ हमने एक दूसरे बीकर में ऐड करी है। जैसे ही ऐड करा तो हमें एक ब्राइट येलो कलर का सॉलिड जो कि ये दिख रहा है और धीरे धीरे ये सेटल डाउन हो जाता है वो मिला, जो कि क्या था, लेड आयोडाइड था। हमने ये बना लिया है। अब जब लेड आयोडाइड बना और वो सॉलिड है, वो सेटल डाउन हो रहा है, तो वो क्या बना, प्रेसिपिटेट। और इस वजह से हमने क्या बोला कि ये भी एक एविडेंस है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। थर्ड एविडेंस है हमारा चेंज इन कलर। अब देखिए यहाँ पर हमने कॉपर कार्बोनेट को जो कि ब्लूइश ग्रीन कलर का है हीट किया तो वो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। तो इसका कलर देखिए ब्लूइश ग्रीन कलर किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्लैक कलर में। और इसी तरीके के एविडेंस को हम बोलते हैं चेंज इन कलर और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है सिर्फ चेंज इन कलर को देख के। एक और एग्जांपल जो आपके बड़ी डेली लाइफ का है, आप मार्केट से परचेज करके लाते हैं कॉपर के यूटेंसिल्स,
जो रेड ब्राउन कलर का दिख रहा होता है, किस कलर का दिख रहा होता है, रेड ब्राउन, और वो शाइन भी कर रहा होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब इसे बार बार यूज़ करते हैं, कभी हीट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो कॉपर है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, कब, जब भी उसको हीट मिलती है, और ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक मास यानी कॉपर ऑक्साइड में। तो इससे हमें पता चलता है कि चेंज इन कलर इज ऑल्सो एविडेंस टू से दैट देर इज अ केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस। अंडरस्टैंड, मतलब चेंज इन कलर को भी हम एज अ एविडेंस ट्रीट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक, अब बात करेंगे हम चौथे एविडेंस की, यानी चौथी कैरेक्टरिस्टिक की, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब हुआ कि या तो टेम्परेचर आपका क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, और या तो डिक्रीज हो रहा होगा। इंक्रीज होने का मतलब रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हुई है और बाहर निकली है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्या करते हैं, लकड़ी को जलाते हैं या पेपर को जलाते हैं या किसी भी चीज़ को जलाते हैं, तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है और क्या होता है, वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस तरीके की रिएक्शन को एक और नाम देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहीं पे कुछ रिएक्शन है जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, अंदर चली जाती है, रिएक्शन को रिक्वायरमेंट होती है, हीट वो एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, तब कंप्लीट होती है रिएक्शन। इस तरीके की रिएक्शन में टेम्परेचर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और इसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर विनेगर के साथ, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को हम विनेगर के साथ अगर रिएक्ट करें तो क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, वाटर बनाएंगे और एक सॉल्ट बनाएंगे, और इस प्रोसेस में टेम्परेचर डिक्रीज होता है और इसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली वी हैव द फोर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, वन इज कॉम्बिनेशन, अनदर इज डीकम्पोजिशन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। वी हैव फिफ्थ वन ऑल्सो विच इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब इसमें होता है कि कभी भी दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट हैं वो कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके लिए जनरल इक्वेशन आप ऐसे बना सकते हो कि एक हमारे पास रिएक्टेंट ए है और दूसरा बी है, दोनों कंबाइन होकर क्या बन गए, ए बी, मतलब सिंगल प्रोडक्ट बना है, इसलिए हमें क्या बोला इसे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने कोल को आपको पता है वो कार्बन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बन गया, वाटर। आप देखो क्विक लाइम को हमने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो बन गया स्लेक लाइम। ये सब आपने देखा होगा, ये वाला रिएक्शन सबने देखी होगी कि क्विक लाइम जो होता है, स्टोन होता है, उसको हम जब पानी में डालते हैं तो उसमें कुछ बबल्स निकल के उड़ते हैं और पानी जैसे लगता है कि उसमें बबल्स बन रहे हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है स्लेक लाइम में। तो यानी इन शॉर्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं और इसी को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जनरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, मतलब इसमें क्या होती है, हीट बाहर निकल रही होती है। चलिए अब हम दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, डीकम्पोजिशन। ये कॉम्बिनेशन के अपोजिट में है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ साथ में बनाया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, डीकम्पोजिशन में लिखा हुआ है द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी वो अब दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जनरल इक्वेशन देखिए, हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसको हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया या वो स्प्लिट हो गया, किस में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में जिससे वो बना हुआ था, या और भी सिंपल्स में वो कन्वर्ट हो सकता है। जनरली ये इक्वेशन
एंडोथर्मिक होती है, यानी ये रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, और इसीलिए इनको इनकी रिएक्शन होने के लिए यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए हमें हीट या एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अगर हम एनर्जी को हीट के फॉर्म में सप्लाई करें तो उसे बोलते हैं हम थर्मल डीकम्पोजिशन, यानी व्हेन द डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट विद हीट एनर्जी। लाइक हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है फेरस सल्फेट, ये ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, जब इसे हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, गैसेस हैं, देखिए लिखा हुआ है, तो ये तो इवोल्यूएट हो जाती हैं, ये बाहर निकल जाती हैं, क्या बच जाता है हमारे पास, फेरिक ऑक्साइड, और ये होता है रेड ब्राउन कलर का। हमें दो तो बातें समझ में आ गई, एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, दूसरा हमें एविडेंस में क्या मिला, चेंज इन कलर, और हम इजीली कह सकते हैं कि ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन, कौन से टाइप की, डिकम्पोजिशन टाइप की। एक और एग्जांपल है लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। देखिए दोनों में हमने क्या किया, हीट एनर्जी सप्लाई करी है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हीट एनर्जी और हीट एनर्जी, इसीलिए इन दोनों ही टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। अब एक और तरीके का डीकम्पोजिशन है, इसमें हमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि डीकम्पोजिशन कैरिड आउट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू। अब इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर हम वाटर में थोड़ा सा एसिड मिक्स करके उसका इलेक्ट्रोलिसिस करें तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। इसके लिए आपके पास एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है, आप उस एक्टिविटी को पढ़िए, मैं पेज नंबर अभी आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर नाइन पे एक एक्टिविटी है, उसको आप पढ़िएगा और अगर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, उसमें इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलिटिक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फोटोलिटिक का मतलब होता है कि लाइट एनर्जी से, यानी व्हेन द डीकम्पोजिशन कैरिड आउट बाई लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लेके दिखा हुआ है कि सिल्वर क्लोराइड एक सॉलिड है, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ये सिल्वर यानी ग्रे कलर का सिल्वर बना लेता है और क्लोरीन गैस उड़ जाती है, क्योंकि वो गैस है, वो तो इवॉल्व हो जाएगी। सेम आपका सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होता है, जब उसके ऊपर सनलाइट को पड़ती है तो सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाती है। ये दोनों ही रिएक्शन बड़ी ही यूजफुल है, किसमें, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। वैसे आप लोग तो कलर फोटोग्राफ के ज़माने में रहते हो जहाँ आप सिंपली क्लिक करते हो आपको कलर फोटो मिल जाती है, लेकिन जब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी का टाइम था तब ये दोनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी और हमें क्या मिलता था, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ मिलता था विद द हेल्प ऑफ दीज टू रिएक्शंस। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि नाम है डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ पर एक किसी दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा होगा, तो ध्यान से देखते हैं, एक कंपाउंड है बी सी, अब इसमें एक आ गया ए, अगर ए इस बी से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो बी को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पे खुद अटैच होके ए सी बना लेगा और बी बाहर निकल जाएगा। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया हुआ है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में दो ऑप्शन है, एक कॉपर है और एक सल्फेट है, तो ये कॉपर में जो हमने आयरन नेल डाली है, आयरन इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी इस कॉपर की प्लेस पे आयरन खुद अटैच हो जाएगा किसके साथ, सल्फेट आयन के साथ, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। ध्यान से देखिए यही हुआ है, कॉपर डिस्प्लेस हो गया और आयरन सल्फेट बन गया, जैसे हम फेरस सल्फेट भी कहते हैं। ये एक और एविडेंस शो करता है, देखिए कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, आयरन नेल डाली तो रिएक्शन हुई और जो फेरस सल्फेट बना उसका होता है पेल ग्रीन कलर, तो हमें एक बीकर में ये मिल गया, तो हमें दो एविडेंस मिल गए, एक तो हमें पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, दूसरा हमें एविडेंस के लिए क्या मिला, चेंज इन कलर, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। एक और एग्जाम्पल है कि हम अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ ही रिएक्ट कराएं तो कॉपर सल्फेट एज यूजुअल क्या होता है, क्या होता है,
ब्लू कलर का, और जैसे ही उसमें जिंक डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अगर आप जिंक मेटल को देखोगे तो वो होती है ग्रे कलर की, और जो कॉपर है वो आपको पता है रेड ब्राउन कलर की है। यानी अगर आप जो आपने मेटल डाली थी ग्रे कलर की, उसका कलर चेंज होके कैसा मिलेगा, रेड ब्राउन कलर का। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, और क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। अब बात आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसके लिए आपको ना NCERT के पेज एक बार 45 को देखिएगा। पेज 45 पे एक सीरीज बनी हुई है जिसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट रिएक्टिविटी सीरीज विल बी टेकन केयर इन चैप्टर 3, बट फॉर द टाइम बींग यू कैन सी चैप्टर फॉर पेज 45 इन NCERT, जो आपके फर्स्ट चैप्टर में काम आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फोर्थ टाइप। इसमें क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब होता है म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं। अब देखो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे अगर आप, म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल एक्सचेंज मतलब एक ने दिया और फिर उस सामने से ले लिया। अब ध्यान से देखो, हमारे पास एक कंपाउंड है ए बी और दूसरा है सी डी। तो क्या हुआ, ए बी की, ए चला गया सी की जगह और बी चला गया आपका डी की जगह। तो हमें क्या मिला, ए जब चला जाएगा सी की जगह तो क्या मिल जाएगा, ए डी, और बी चला जाएगा जब डी की जगह तो क्या मिल जाएगा, सी बी। यानी म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ, एक दूसरे से उन आयन आपस में एक्सचेंज हो गए। एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट, यानी यहाँ पे एक आयन है सोडियम और दूसरा है सल्फेट। अब सोडियम चला गया इस बेरियम की जगह पे और सल्फेट चला गया इस क्लोरीन की जगह पे, तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। थोड़ी देर पहले हमने एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डिस्कस करी थी, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट डिस्कस किया था, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए आपको ये वाला डायग्राम याद होगा, मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। इसमें क्या था कि हमने लेड नाइट्रेट लिया हुआ था, क्या लिया था, लेड नाइट्रेट, और इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया था, तो क्या बन गया था, लेड आयोडाइड और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये जो था येलो कलर का PPT था, यानी प्रेसिपिटेट था। तो इसमें भी क्या हुआ है, अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें भी आयन जो हुए हैं एक्सचेंज हुए हैं, आयोडीन आयन लेड के साथ चला गया है और पोटेशियम के साथ नाइट्रेट आयन आ गया है। तो इस तरीके की जब भी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स होते हैं तो उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप अगर इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करें तो हमें क्या क्या मिलेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ा, क्या क्या थी, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो ये चार चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने चार डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस पढ़ी, कौन कौन सी, पहला कॉम्बिनेशन जिसमें दो अलग अलग जुड़ के एक बन जाते हैं, दूसरी डीकम्पोजिशन जिसमें एक टूट के दो सिंपल कंपाउंड या एलिमेंट्स बनाते हैं, तीसरा डिस्प्लेसमेंट पढ़ा जिसमें हाई रिएक्टिव अपने रिस्पेक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से, और लास्ट हमने पढ़ा है डबल डिस्प्लेसमेंट जहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज होते हैं आयंस के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन और उसका डेली लाइफ में यूज़। तब तक कीप स्टडिंग एंड बी सेफ़।